शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अब यह तो साली जी की आवाज निकली रही या सालू जी की जान। लड़ाई में तुम्हारा पति तो हमको बहादुर दिखाई देगा, पर हमारे आदमी के हाथ में उका खून पक्का रहा। अब या तो हमारे साथ चलोगी या तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारा पति मरेगा। हाँ, क्या कहती हो? श्रद्धा, अमरी साली जी शुरू से रही बहुत ही समझदार। तो चले साली जी, हा? वकील साहब सुनी तो रहे हम, कल से हमारी बहू जेल में है, बिना किसी जुर्म के, बिना किसी सबूत के। आप प्लीज उसको जल्द से जल्द जेल से छुड़ाइए। हे भगवान, हमारे घर की बहुओं पे पता नहीं कैसा खतरा मंडरा रहा है। एक जेल में है और दूसरी का पता ही नहीं चल पा रहा। भाभी, इसे खतरा नहीं, काला जादू कहिए। उस गवार गौरी ने काला जादू कर कर रखा है हमारे घर पे। ये सब छोड़ो, बस कैसे न कैसे करके अभय श्रद्धा को लेकर आ जाए घर में। बस अभय, अभय क्या हुआ? श्रद्धा के बारे में कुछ पता चला? हाँ अभय बताओ ना, श्रद्धा कहाँ है? अभय हम तुमसे पूछ रहे, तुम इतने चुप काहे हो? कहाँ है श्रद्धा? नहीं मिली। हर जगह ढूंढ लिया मैंने, पर श्रद्धा कहीं नहीं मिली। श्रद्धा का पता लगाने का सिर्फ एक रास्ता था। कल आप सबने मुझे रोक लिया था, पर आज नहीं मैं रुकूंगा, आज नहीं। अभय, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो इसे। अभय गौरी, अबे जी क्या कर रहे हो? बहुत होगी सबकी मनमानी, आज या तो तुम बचोगी या मैं। बोलो कौन है श्रद्धा? अबे जी बताओ। छोड़ उसको, छोड़ो उसे। पापा जी, अबे इसको चोट लग गई तो मैं क्या करूं? पापा पता नहीं इसने श्रद्धा के साथ क्या किया, किस हाल में होगी वो। मुझे मेरी श्रद्धा को भी चाहिए। हम आपको श्रद्धा जी का पता बता देंगे, बस आप हमसे शादी कर लीजिए। अरे तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? आ गए ना तुम अपने असली औकात पे? जो समझना है समझ लीजिए, पर अगर हमें खरोच भी आई ना तो श्रद्धा जी का बचना नामुमकिन है। कल हमारा जन्मदिन है, उससे पहले कानूनी तौर पे हमसे शादी कर लीजिए, फिर हम खुद आपको श्रद्धा जी तक पहुंचा देंगे।
ये बात तुम याद रखो, श्रद्धा इस घर की बहू है और तुम उसकी जगह कभी नहीं ले सकती हो। श्रद्धा श्रद्धा श्रद्धा, तब कहाँ थी आप जब आपके बेटे ने हमारी मांग भरी थी? क्या हा? जब देखो तब मांग भरी थी। मरा नहीं जा रहा था हमारा बेटा तुम्हारी मांग भरने के लिए। उसने अपने माँ की जिंदगी बचाने के लिए तुम्हारी मांग भरी थी। और हमारा बच्चा? हमारा नहीं तो कम से कम हमारे बच्चे के भविष्य का ही सोच लीजिए। अरे अभी तो हमने अपनी जिंदगी की शुरुआत नहीं की है, तो अपने खून का भविष्य कैसे अंधेरे में धकेल दे? ठीक है, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। मैं कानूनी तौर पे तुमसे शादी करूं और इस बच्चे को भी अपना नाम दूंगा, पर बदले में तुम श्रद्धा को छोड़ दोगी। मंजूर, कल हमारे जन्मदिन पे हम दोनों की नई शुरुआत भी होगी और श्रद्धा जी की भी आजादी हमेशा के लिए। एक बात तुम कान खोल के सुन लो, तुम्हें जो करना है ना तुम करो, लेकिन तुम श्रद्धा की जगह कभी नहीं ले सकती हो। हेलो, आज ही खत्म करो काम, मार डालो श्रद्धा को। जैसा तुम चाहो गौरी, खुशी खुशी कर देंगे तुम्हारा काम। श्रद्धा त्रिपाठी का आज अंतिम संस्कार होएगा वा, समझ लो। समझेंगे तो अब वो हमें, जो श्रद्धा की आजादी के लिए हमें धमकी देने आए थे। ठीक है, आज उसकी आजादी और कल हमारी शादी, और फिर चल पड़ेगी हमारी जिंदगी की नैया। रे भाई लोग, भैया जी जाओ तनी खाई पी लो तुम लोग कुछ, हाँ तब तक हम नजर जमाई बैठे हैं अपनी साली जी पर। जाओ चलो भैया जी। तो साली जी, जिस दिन से नजर जमा रहे ना तुम पर, उस दिन से ही कलेजा आएगा वहां तुम पर। अब क्या करें, अभी कलेजे पे पत्थर धर के तुमने जान ली पड़ी हमका। क्या करें, ना इंसाफी है बहु, बहुत ना इंसाफी। बहुत देर हो गई, तब तो फोन आ जाना चाहिए था गुलाल का कि श्रद्धा का खेल खत्म हो गया। हम ही फोन लगा लेते हैं। उठा क्यों नहीं रहे, काम हो गया? अरे तनिक सबर तो रखो गौरी, अरे तुम्हारा ही काम कर रहे हैं। क्या मतलब, श्रद्धा मर गई? अरे हाँ भाई, मर गई श्रद्धा त्रिपाठी, मर गई।
ये मार मार के भूरता बना दिए रहे हमरा। अरे जो तुम बोली रही वही तो किए रहे हम। औरत से हार गए हम, लानत है गुलल। अरे भाई लोग किधर हो यार? श्रद्धा छोड़ दे रहे हम का है? देखो देखो हम तो बस कठपुतली बने रहे हैं, कभी तुम्हारी बहन के, कभी तुम्हारी सासू माँ के, और अब तुम्हारी सौतन के। इस सारा का सारा दिमाग वो गौरी का रहा। जब कठपुतलियों का काम खत्म हो जाता है ना, तूने ऐसे ही बांध के छोड़ दिया जाता है गुलाल। अब तुम भी ऐसे ही बंधे रहो और यही सड़ते रहो जब तक कोई तुम्हें यहाँ से आके छुड़ा ना ले। श्रद्धा खोल दिया रे हमका, श्रद्धा काहे छोड़ के जा रही है? अरे भूखे प्यासे तन्हा मर जाएंगे यहाँ अकेले। श्रद्धा श्रद्धा। किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शेमारू उमंग।